तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल ली और उसका नाम मैंने रखा असाइनमेंट ऑपरेटर्स डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये फाइल मेरे सामने खुल गई। राइट बटन दबाया मैंने, इसको गया एक्सप्लोर पर खोल लिया और यहाँ पे राइट बटन दबा के मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर पर राइट बटन दबाया और यहाँ से जाके ओपन विथ पे क्लिक किया। यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट पे खोल के यहाँ से मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ये अलग कर लिया इससे, ठीक है, और यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर दिया और यहाँ पे खोल के मैंने इसको ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे सामने ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये एक तरफ हमारे पास ये फाइल खुली हुई, इसको बंद कर देते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आ गए। तो पहले तो समझें कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करते हैं। कोई भी वैल्यू किसी दूसरे पे असाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब वैल्यू कैसे असाइन करेंगे एक दूसरे की, एक किसी दूसरे के ऊपर, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर, मैं दोबारा से इसको खोलता हूँ वीएस कोड को, फाइल में जाके ये हमारे सामने ऑलरेडी खुला हुई है। यहाँ से शिफ्ट का बटन दबा के बन किया और ये मैंने कोड ले लिया और यहाँ पर मैंने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यहाँ पर डाल दिया। अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट है। जैसे अभी हमने देखा कि कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, तो हमारे पास इक्वल है जो सबसे बेसिक ऑपरेटर है जिसको भी हम पहले भी कोड करके देख चुके हैं। तो मैंने कल आपको एक तरीका ये भी बताया था कि आप फाइल के जरिए भी कोड कर सकते हैं, दूसरा ब्राउजर पर डायरेक्ट भी कोड कर सकते हैं। अगर आप अपना कोड जो है चेक करना चाह रहे हैं तो राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से क्या लेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ से कंसोल पे चले जाएंगे कोड टेस्टिंग के हवाले से। तो यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे चेक कर सकते हैं अपने, देखिए जब हम यहाँ लिख रहे होते हैं सपोज टू बी लेट ए, तो ये ए लिखा हमने, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब उसके साथ असाइनमेंट लगा के जब उसको 10 वैल्यू दे रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ए को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब 10 जो वैल्यू है वो ए के अंदर बिठा रहे हैं, तो इसके ऊपर ए पे वो बैठ जाती है, ठीक है। अब जब हम उसको आउट करेंगे तो वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी और उसको जब हम देखेंगे तो वो हमें उसको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए लिख के एंटर करते हैं तो ए की वैल्यू देखिए नीचे दिखा रहा है क्या है, 10, सही। तो अगर हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ए असाइनमेंट 20 और यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। तो इस तरीके से आप जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ये तो था सिर्फ आपका जो ऑपरेटर था, ये जो डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहे थे इक्वल साइन वाला, इसे हम पहला असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट पे कोड करते हैं जाके और यहाँ पे हम पहले एग्जांपल सेट कर लेते हैं दो वेरिएबल के दरमियान में जिन पे हम इनको आजमा के देखने वाले हैं। सपोज टू बी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया लेट करके एक ए ले लिया और दूसरा हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया बी ले लिया, तो हम दोनों को साथ ले लेते हैं, ए बी सी भी कर सकते हैं और ए बी भी ले लेते हैं। तो ए और यहाँ पे हमने कॉमा लगा के बी वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे इनको हमने डिक्लेयर कर लिया, फिर ए की वैल्यू को 10 सेट कर दिया और बी की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया 20 के ऊपर। तो ये हमने इसका बना लिया। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या दिखानी, बल्कि हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले रहा हूँ, आईडी मैंने बनाया नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे लेके हमने इसकी वैल्यू का आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे हमने कोट्स में लिख दिया सपोज टू बी। अब हम मालूम कर रहे हैं कि ए और बी के दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस इक्वल का काम, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस इक्वल इक्वल ए, तो इससे क्या आउटपुट आना चाहिए। तो ये तो अभी देखें एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा, ये मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ये देखें ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट के लिए हमें ये लिखना होगा, मैंने लिखा कॉमा ए प्लस ए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखा सपोज टू बी प्लस इक्वल टू ए, तो यहाँ पे सेव किया रिफ्रेश किया तो क्या आउटपुट आ गया, 20। तो ये हुआ क्या असल में, प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू है वो उसी के साथ उसमें प्लस करी और उसी के ऊपर अपडेट कर दिया। मतलब आसान अल्फाज में इसने क्या किया कि जो भी ए की वैल्यू थी उसको वैल्यू को वैल्यू के साथ प्लस किया, तो 10 से प्लस हुआ तो क्या आंसर आ गया, 20। और फिर ए की नेक्स्ट वैल्यू क्या रख दी, 20, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 20। अगर हम नेक्स्ट लाइन पे भी अगर ए की वैल्यू का आउटपुट देखें तो यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया और यहाँ पे हमने जाके कोर्ट में यहाँ पे जाके हमने लिखा बीआर और बीआर करके यहाँ पे हमने फिर एक कॉमा लगाया, ए की वैल्यू दिखाई और फिर यहाँ से कोर्ट शुरू किया और फिर यहाँ पे हमने बीआर को ओवर कर दिया और कोर्ट्स को लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉमा और देना था, ठीक है, तो यहाँ देखिए सेव करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, 20। हाँ, तो इसका मतलब असाइनमेंट इसके ऊपर हो चुकी, ठीक है। हाँ, अगर आप ये नहीं लिखते वैल्यू और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली ए की वैल्यू दिखाते हैं तो ऊपर भी 10 आती और नीचे भी 10 आ रही होती। तो असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उनको आपस में प्लस करता है और फिर वेरिएबल पे दोबारा से अपडेट कर देता है।
सिमिलरली अगर आप यहां लिखेंगे a प्लस बी तो मतलब a प्लस इक्वल टू बी, तो अब क्या करेगा ये, इसका आउटपुट क्या आएगा, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू क्या है 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये देखिए अपडेट कौन सी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। अब इसको अगर हम ऐसे लिखते, सपोज टू बी ये मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं समझाने के लिए, और यहां पे आपको ऑपरेशन करके बता रहा हूं जिसका आउटपुट उसके आगे आता जा रहा है समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया सपोज टू बी b प्लस इक्वल टू a, अब क्या होगा, अब देखिए b की वैल्यू क्या हो गई 30 और a की वैल्यू क्या रह गई 10, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब मैं नीचे अगर आपको अलग से भी दिखा दूं तो यहां पे लिख देता हूं वैल्यू ऑफ ए असाइनमेंट कॉमा लगा देता हूं यहां पे, ठीक है, और यहां पे कॉपी करके फिर कोड को कर देता हूं, वैल्यू ऑफ बी कर देता हूं। यहां पे दोनों वैल्यूज आपकी शो होती रहेंगी ताकि आपको आइडिया भी होता रहे कि ए की वैल्यू कौन सी और बी की वैल्यू कौन सी, सही समझ में आ रही। और यहां पे सेमी कॉलन हटा के इसका आउटपुट भी आपको दिखा देता हूं, समझ में आ रही है बात ये, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से अगर हम यहां लिखेंगे माइनस इक्वल, क्या लिखेंगे माइनस इक्वल, अब क्या होगा, क्या लिख रहे हैं बी माइनस इक्वल ए, तो ये देखे यहां पे हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ, जो कि बी की जो भी वैल्यू थी वो कितनी थी 20, उसमें से 10 क्या हुआ माइनस हुआ और बी की वैल्यू क्या हो गई, तो देखिए बी की वैल्यू क्या 10 रह गई और ए की वैल्यू तो 10 ही थी, और यहां पे बी की वैल्यू इस ऑपरेशन से क्या आउटपुट आया हमारे पास 10 वैल्यू आएगा। अब हम यहां पे लगाते हैं माइनस के बाद मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी आउटपुट चेंज कर लेते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब बी स्टार इक्वल और ए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब क्या होगा आउटपुट देखिए क्या हो रहा है, तो क्या हुआ बी की वैल्यू क्या हो गई 200 जबकि ए की वैल्यू क्या रही और बी की वैल्यू क्या हो गई 200। ऐसा क्यों हुआ, देखिए बी की वैल्यू 20 थी और ए की वैल्यू 10 थी, तो 20 और 10 आपस में क्या हुए वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुई, तो आंसर क्या है 200 और वो किस पे असाइन हो गई बी पर। अब इसको अगर उल्टा कर देते, उल्टा कर देते मतलब यहां पे हम लिख लेते हैं ए और यहां पे क्या लिख लेते हैं बी, अब यहां पे ऑपरेशन को भी क्या कर देते हैं ए और यहां पे क्या कर देते हैं बी, हालांकि इसका ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्ले आपको समझाने के लिए, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए आंसर क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या हो गई 200 जबकि बी की वैल्यू क्या रह गई 20, ठीक है। तो एस्टेरिक लगाएंगे तो ये इस तरह से करेगा। अब अगर हम यहां पे डबल एक्सपोनेंशियल लगा देंगे सपोज इस तरह से, फिर क्या हो रहा है तो वो और मतलब और दो दफा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख देगा और फिर आपका आंसर कितना ज्यादा बढ़ गया देख लीजिए, सही। तो इस तरह से ये वैल्यू को एकदम एक्सपेंड कर देगा। तो मैं यहां पे ये आपका आउटपुट भी बता देता हूं कि मैंने दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगा दी, डबल स्टारिक कर दिया तो डबल टाइम उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं डिवाइड के ऊपर, तो यहां डिवाइड इक्वल लिखते हैं और यहां पे मैं कर देता हूं आपको समझाने के लिए बी डिवाइडेड असाइनमेंट ए, ठीक है, यहां कर देते हैं और यहां पे इसको इस तरीके से कर देते हैं बी डिवाइडेड असाइनमेंट ए, ऑपरेशन में क्या आंसर आएगा यहां पे नोट कीजिएगा। तो बी का आंसर क्या आ गया 1 और वैल्यू ऑफ ए क्या हो गई 1 और यहां पे बी की वैल्यू क्या रही 20 रही, तो यहां पे ए की वैल्यू असाइन हो गई। और यहां पे बी लिख दूंगा तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि जो डिवाइड हुआ और जो आंसर आया वो बी के ऊपर दोबारा से असाइन हो गया। यहाँ सेम भी हो सकता है, बी डिवाइड बाय बी भी हो सकता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू फिर एक रहेगी और बी की वैल्यू ही अपडेट हुई, ए की वैल्यू को कोई भी असर नहीं पड़ा। तो ये देखिए इस तरह से ये चारों असाइनमेंट ऑपरेटर इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, आगे जितने भी टास्क आएंगे उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर इसी तरह से यूज हो रहे होंगे।